पुलिस मुठभेड़ में दो अंतर्राज्यीय लुटेरे असले समेत गिरफ्तार। एसपी कौशाम्बी अभिनंदन के निर्देश में इन दिनों अपराधियों की धरपकड़ का सिलसिला जोरों से चल रहा है। इसी क्रम में कौशाम्बी एसओजी टीम प्रभारी संजय गुप्ता को शुक्रवार देर रात मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सैनी थाना क्षेत्र के दिलावरपुर गाँव के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। एसओजी प्रभारी ने देर न करते हुए सैनी कोतवाली पुलिस के साथ मुखबिर के बताए स्थान पे पहुंच गए। जैसे ही टीम ने संदिग्ध को घेरने का प्रयास किया तो उन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। एसओजी व पुलिस टीम के जवानों ने साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी कर दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दो अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गैंग लीडर सहित चार आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। ये लुटेरे कौशाम्बी समेत आसपास के जिलों में चोरी व लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने पकड़े गए दोनों लुटेरों के पास से चोरी की दो बाइक, दो तमंचे, 21,000 रुपए नकद, कपड़े व जेवरात बरामद किए हैं। पकड़े गए लुटेरों ने महीने भर पहले पथरावा गांव के पास दंपत्ति पे तमंचा सटाकर लूटपाट की थी। एसपी समर बहादुर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि फरार लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक घटना नहीं, कुछ पांच छह घटनाएं हैं, पांच हमारे जनपद कौशाम्बी की है, एक घटना इनकी इलाहाबाद की है और जो मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हैं उनके बारे में ट्रेस किया जा रहा है कि कितनी घटनाएं कुल किया इन्होंने। ये अभी बेसिकली लुटेरे और चोर हैं। जनपद कौशाम्बी में इन्होंने पांच लूट की है और जनपद इलाहाबाद प्रयागराज में इन्होंने कई मोटरसाइकिल चोरी की, जिसमें एक मोटरसाइकिल कनेक्ट हो पाई है, शेष मोटरसाइकिल अभी कनेक्ट की जा रही है। इनके पास से दो मोटरसाइकिल, दो तमंचे, 21,500 रुपये, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैग, कपड़े, काफ़ी चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें गहने भी हैं और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजा जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान, हाँ ये मुठभेड़ के दौरान पकड़े।